सो गाइस, आज मैं फिर से आ चुका हूँ ऑटो बाजार बाजार श्रीरामपुर पे, और मेरे सामने खड़ी है बजाज पल्सर NS 200, और इधर रही पल्सर 220F। सो दोनों में एक छोटा सा वॉक अराउंड डिटेल कंपैरिजन होगा, आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट है। देखिए 1,72,000 इसका भी रेट है, और इसका भी रेट है 1,72,000, तो 1,72,000 इसका रेट है एंड इसका भी 1,72,000। तो प्राइसिंग को कंसीडर करते हुए आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट होगा, 4 वाल्व टेक्नोलॉजी वाला NS 200 और 2 वाल्व सेटअप के साथ आती है लेजेंड पल्सर 220F। और वीडियो को जाहिर सी बात है शुरू से एंड तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए ताकि कुछ भी डिटेल्स आप छूट ना जाए। सो दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं बजाज पल्सर NS 200 से। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बजाज पल्सर NS 200 एक ऐसा बाइक है, 200cc सेगमेंट के साथ आती है, लेकिन 250cc की भी बाइक को भी टक्कर दे देती है टॉप स्पीड पे। 5000 RPM के बाद एकदम फटाक से रॉकेट जैसा भागती है NS 200। इंजन कंप्रेशन चेंबर पे ज़्यादा फ्यूल एंड एयर की सप्लाई होती है, इसलिए हाई रेव करती है, और इसीलिए दोस्तों 4-5000 RPM के बाद फटाक से अपना स्पीड पकड़ लेती है। सो सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ बाइक आती है, जिसमें ऑलमोस्ट आपको 24.13 PS पावर NS 200 दे देती है 9,750 RPM पे। एंड पल्सर 220F दोस्तों किसी भी चीज़ पे कम नहीं है, इसमें भी आपको 20.4 PS पावर मिल जाएगा 8,000 RPM पे। एंड ऑब्वियसली इंजन सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC DTSI डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन के साथ आती है, जो ऑलमोस्ट 20.4 PS पावर दे देती है 8,000 RPM पे, जो ठीक ठाक आपको इनिशियल पिकअप पंच भी दे देगी एंड टॉप एंड भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आती है। ऑयल कूल्ड कूलिंग सिस्टम ही, इधर चेक कर लो ऑयल कूल्ड का ब्रांडिंग और डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, दोनों स्पार्क प्लग है इसमें। सो दोस्तों, पल्सर 220F एक लेजेंड बाइक है, इसके साथ NS 200 का कंपटीशन करना मतलब गलत होगा। बट आप सभी के डिमांड पे, आप सभी ने डिमांड किया था कि भैया एक रिव्यू चाहिए NS 200 के साथ, सो दैट्स वाई मैं एक छोटा सा वॉक अराउंड कंपटीशन रिव्यू कर रहा हूँ प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। 1,72,000 इसका भी रेट है एंड लगभग NS 200 भी 1,72,000 के आसपास पड़ जाती है हमारे वेस्ट बंगाल श्रीरामपुर ऑटो बाजार बजाज पे। देखिए पल्सर 3D पे लिखा जाता है कुछ सिल्वर स्टिकर पे, न्यू बाइक है दैट्स वाई स्टिकर अभी तक उठाया नहीं गया है। टैंक पैड वही डिज़ाइन के साथ आती है, 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, क्लिप ऑन हैंडल बार का सुविधा आपको मिल जाएगा इसमें, इसमें भी क्लिप ऑन है। मीटर कंसोल सेम वही फीचर्स के साथ आती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, बाकी DT IFE जैसा न्यू फीचर्स ऐड किया गया है। ABS का इंडिकेशन सिंगल चैनल ABS मॉडल है, ABS का इंडिकेशन, न्यूट्रल का इंडिकेशन, लो फ्यूल इंडिकेशन, हर एक डिटेल्स आपको मिल जाएगा। स्विच प्रोफाइल एक बार चेक कर लो, इंजन कटअप स्विच नीचे, इसका सेल्फ इधर, इसका हॉर्न इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम एंड ऑल्सो पासिंग स्विच, प्रोजेक्टर लाइट सेटअप इसमें LED नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें LED होता और भी थोड़ा सा बेटर होता दोस्तों, इसमें भी LED अपग्रेड नहीं हुआ है दोस्तों, बट इसमें प्रोजेक्टर लाइट सेटअप नहीं है। इंडिकेटर फ्लेक्सिबल है, फ्रंट मडगार्ड कुछ ऐसा कार्बन फाइबर स्टिकर कॉम्बिनेशन के साथ आती है, और इसमें भी क्लिप ऑन हैंडल बार का सुविधा है, थोड़ा सा बेटर शार्प हैंडलिंग आई थिंक मेरे ख्याल से NS 200 पे है दोस्तों सिटी राइडिंग के लिए। बाकी इसको लेके आप सिटी राइड, लॉन्ग राइड, शॉर्ट टूर, लॉन्ग टूर, डेली ऑफिस राइडिंग पर्पस बेस्ट हैंडल बार है पल्सर 220F की। मिरर डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी की मिरर इसमें है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ ग्राफिक्स चेंज हुआ है। बाकी 2021 पे जो पल्सर 220F आती थी वही सेम वाला मॉडल है जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया था बजाज ने। 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी, सेम टैंक पैड, सीट हाइट कंफर्टेबल है एंड इसका सीट का कुशनिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है दोस्तों। आई थिंक अगर आपका हाइट 5'2" के 5'3" भी हो तो भी आप इसको इजीली कैरी कर पाओगे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगा एंड फैमिली पर्पस बेस्ट यूसेज बाइक होने वाला है। सीट हाइट कंफर्टेबल है एंड सीट का कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है दोस्तों, फैमिली यूसेज के लिए बेस्ट बाइक होगा 220F। इसके मुकाबले NS 200 का सीट मुझे फैमिली पर्पस यूसेज के लिए नहीं ठीक ठाक लगा दोस्तों, जो चीज़ मुझे सही लगा मैं आपको बोला, सिंगल राइडर के लिए ठीक है बट फैमिली यूसेज के लिए NS 200 मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। पल्सर 220 बेस्ट बाइक है, आप फैमिली पर्पस यूसेज करो कि आप सिंगल पर्सन हो, दोनों के लिए बेस्ट होने वाला है। 220 पीछे कुछ टेल सेक्शन पे ऐसा
सिल्वर कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा ब्लू का न्यू डिजाइन ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगा। पीछे से पूरा व्यू चेक कर लो, कुछ ऐसा दिखती है 220F, सेम लेजेंडरी टेल लाइट है, ग्रैबडेल डिजाइन आर ऑल्सो सेम, एग्जॉस्ट पाइप डिजाइन भी सेम है, 2021 में जो आती थी वही सेम वाला डिजाइन सेटअप है दोस्तों। पीछे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड की जाती है, इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, राइडिंग एबिलिटी और भी थोड़ा सा बेहतर मिलता है। आई थिंक अगर आप इसको चलाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये चीज़। और NS200 पे नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है, और इसमें आपको टायर हगर कुछ ऐसा डिजाइन सेटअप पे मिलेगा। इसमें कुछ भी टायर हगर फैसिलिटी नहीं है दोस्तों, सारी गार्ड आपको मिल जाएगा। पीछे 120 सेक्शन का टायर प्रोफाइल है, C8 की टायर इसमें दिया गया है, 120 सेक्शन का पीछे टायर प्रोफाइल है और सामने वही सेम टायर मेजरमेंट, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है दोस्तों। सिंगल चैनल ABS मॉडल है, इधर चेक कर लो, ABS का सेंसर विद रिफ्लेक्टर भी है इसमें, और इसका फ्रंट मोड गार्ड कुछ ऐसा स्टिकर कॉम्बिनेशन पे। इसमें भी एज यूजुअल फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिया जाता है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, वही लेजेंडरी हैंडल बार, इसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं है। इंजन पावर सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC DTSI डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन के साथ बाइक आती है, 2 वाल्व सेटअप है दोस्तों, लेकिन इंजन थोड़ा सा हाई रेव करती है, तो हाई रेविंग इंजन है इसलिए आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। इसमें सिटी राइड पे आपको ठीक ठाक इनिशियल पिकअप पंच दे देगी NS200 के मुकाबले पल्सर 220। इसमें थोड़ा सा बेटर सिटी राइडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन दोस्तों NS200 और भी टॉप एंड बेहतर देती है पल्सर 220 के मुकाबले, बाकी दोनों ही कांटे की टक्कर दे देती है, तो दोनों ही लेजेंड है आई थिंक मेरे ख्याल से। बट मेरा सबसे पसंदीदा मॉडल है पल्सर 220। आपका कौन सा फेवरेट मॉडल है आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएगा। एग्जॉस्ट डिज़ाइन, सस्पेंशन सेटअप, टैंक प्रोफाइल, फ्रंट लुक, बैक लुक, साइड प्रोफाइल, हर एक चीज़ दोस्तों सेम ही है। तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा आई थिंक धूल पड़ गई इसमें। प्रोजेक्टर लाइट सेटअप इसमें है, इसमें नॉन प्रोजेक्टर, इसमें प्रोजेक्टर नहीं है। बजाज का लोगो कुछ ऐसा डिज़ाइन सेट पे मिल जाएगा। 12 लीटर की टैंक प्रोफाइल है, 3D पे ऐसा पर्सन लिखा जाता है, क्लिप ऑन हैंडल बार का सुविधा मिल जाएगा। मीटर कंसोल पे दोस्तों बहुत सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ABS का इंडिकेशन, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, न्यूट्रल का इंडिकेशन, बजाज का इंडिकेशन, RPM मीटर कुछ ऐसा एनालॉग स्टाइल पे, इधर देखो फ्यूल का डिटेल्स, डिजिटल टाइम, हर एक डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मीटर कंसोल आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था बजाज को, N250 एंड N160 जैसा मीटर कंसोल इसमें देना चाहिए था। स्विच प्रोफाइल एक बार चेक कर लो, इंजन कटअप स्विच, नीचे इसका सेल्फ, इधर इसका हॉर्न, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम एंड ऑल्सो पासिंग स्विच। सो गाइस, हमारे वेस्ट बंगाल ऑटो बाजार बजाज पे दोनों बाइक ही अवेलेबल है, तो चाहो तो शोरूम से अपना ड्रीम बाइक ले सकते हो। ऑटो बाजार बजाज पे इसका कीमत है 1,72,000 NS200 का, और इसका भी 1,72,000 ही है। देखिए NS200 कुछ ऐसा ब्लू एंड व्हाइट ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ लिखा जाता है, ग्रैबडेल डिजाइनर सेम, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। टायर अगर कुछ ऐसा डिज़ाइन पे है, पीछे आपको 130 सेक्शन का टायर प्रोफाइल मिल जाएगा, साड़ी गार्ड कुछ ऐसा डिज़ाइन पे है, चेन कवर एक बार चेक कर लो कुछ ऐसा शेप पे आती है, पीछे नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप है, क्रैश गार्ड कुछ ऐसा छोटा सा शेप पे दिया जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए पूरी तरीके से इसका डिटेल रिव्यू मैं नहीं कर पाया, एक छोटा सा वॉक अराउंड कॉम्पिटिशन था, क्योंकि आज मुझे TVS पे भी जाना है दोस्तों, TVS पे कुछ बाइक आने की संभावना है, तो उधर भी जाना है मुझे रिव्यू करने के लिए। तो अगर वक्त मिले इसका एक NS200 का पर्ल व्हाइट कलर है उसके साथ पल्सर 220 ब्लैक, तो उसके साथ एक कंपेयर कर दूंगा।